राज की जय। हनुमान जी ने अपने तीन भक्तों का घमंड तोड़ा। एक बार वो जो है श्री कृष्ण जी सोच रहे हैं, कि भी मेरे पास जो ज्यादा नजदीक रहता है, सत्य बामा नजदीक रहती है, गरुड़ जी नजदीक रहते हैं, चक्कर नजदीक रहता है। चक्कर के दिमाग में आया कि मैं मन की गति से चलता हूँ, मुझसे तेज कोई चल ही नहीं सकता। कौन है? सुदर्शन चक्कर। और गरुड़ जी महाराज ने सोचा मैं भी मन की गति से ऐसे उड़ता हूँ, मुझसे तेज कोई नहीं उड़ सकता। और सत्ता ब्रह्मा कहते मुझसे सुंदर कोई नहीं है। सब रानियों में 16108 रानियों में सत्ता ब्रह्मा सबसे सुंदर है, और वो सोचते मेरे से सुंदर कोई नहीं है। कृष्ण जी ने हनुमान जी को याद किया, हनुमान जी ने सबका घमंड आप तोड़िए, हनुमान जी प्रगट हो। हनुमान जी प्रगट हुए और बाग बगीचे उजाड़ने लगे, तो किसी ने आके कहा भगवान भगवान सारे बाग बगीचे उजाड़े जा रहे हैं। तो प्रभु कहते सुदर्शन चक्कर से जाओ, जरा देखना कौन नया वानर आया, कौन बाग बगीचे उड़ा रहा। सुदर्शन चक्कर कहे मैं जाऊँ? मैं इतना शक्तिशाली और तनिक से बांदर के लिए? नहीं प्रभु, किसी और को भेज दीजिए ना, छोटा सा नेक सा बंदर है। कहते नहीं नहीं आप ही जाओ। वहाँ जाके कहते हैं कि भाई क्यों तुम ये वो तोड़ रहे हो? तो उसने हनुमान जी ने उनको मुट्ठी में लिया और काख में दबा लिया। कहता कि मेरे काख में दबा लिया और ऐसे दबा लिया जीव आंखें सब बाहर आने लगी, अब वो जाए ना कुछ पहुंचे ही नहीं। कृष्ण जी परेशान हो गए कि भाई जाओ गरुड़ जी, तुम देख के आओ, सुदर्शन चक्कर वापस नहीं आया। मैं जाऊँ वहाँ पे तनिक से बंदर के लिए? और मैं, बड़ा अपमान की बात है ये तो। तो वो कहते हैं कि भी जाओ जाओ तुम जाओ, जाते क्यों नहीं हो? तो सुदर्शन वो गरुड़ जी चले। गरुड़ जी ने देखा कि उसकी हनुमान जी की बाजू में और वो सुदर्शन चक्कर दबा हुआ है। तो उन्होंने पहचान लिया ये हनुमान जी हैं। उन्होंने प्रणाम किया, हनुमान जी महाराज की जय, जरा इनको छोड़ दो। उन्होंने बाहर छोड़ा, छटपट आए बड़े आराम से। तो कहते हैं कि भाई चलो आप प्रभु जी से मिला हुआ आई गई हो। तो हनुमान जी से बोले, तो हनुमान जी कहते हैं गरुड़ जी आप जाइए, मैं आ जाऊँगा, आपसे पहले पहुँच जाऊँगा। कहते मुझसे पहले पहुँच जाएगा? मैं मन की गति से चलता हूँ, तो छोटा सा बंदर है। कहते जाइए जाइए आप, मैं पहुँच जाऊँगा। तो जैसे ही हनुमान जी गरुड़ जी वहाँ पहुँचे, तो हनुमान जी कृष्ण जी के पास पहले ही बैठे थे। हनुमान जी ने कहा कि मैं कृष्ण जी को जब प्रणाम करूँगा, जब वो आपको मुझे रामचंद्र जी बन के और अपने पास सीता जी को बिठा के दर्शन दें। आप कृष्ण जी सोचे हनुमान जी तो प्रणाम करेगा नहीं, अब मैं सीता जी किसे बनाऊँ? तो उन्होंने जाके अपने 16108 रानियों को कहा जो भी सीता बन सकती है, जो भी सीता जितनी सुंदर बन सकती है, एक रानी मेरे साथ चलिए। तो सारी चुपचाप रही, रुक्मणी भी चुप रहा चाप रही। सत्य बामा ने सोचा मुझसे सुंदर कौन है, मुझसे सुंदर तो कोई नहीं है। उन्होंने सीता जी का रूप लिया और कृष्ण जी के साथ चली। तो हनुमान जी ने कृष्ण जी को प्रणाम किया। तो कृष्ण जी कहते हैं हनुमान जी तुम इनको प्रणाम नहीं करोगे? प्रभु मैंने आपको कहा था सीता जी को साथ लेना, लेके आना। ये किस दासी को साथ लिया है? ये दासी नहीं है तुम्हारी माता सीता, नहीं प्रभु नहीं, झूठ मत बोलिए। ये दासी है, ये सीता माता हो ही नहीं सकती। मेरी सीता माता से सुंदर इस विश्व में कोई हो ही नहीं सकता। सत्य बामा लज्जित हुई, मुंह झुका के बैठ गई। तो कृष्ण जी कहते हनुमान जी मैंने आपको इसीलिए याद किया था, ये तीनों अपने आप को बहुत ज्यादा हीरो समझते थे, आपने इनका के घमंड तोड़ा, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ना बोले हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय।